हेलो जी, राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रों की आज अष्टमी नवमी दोनों साथ में है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज कन्या पूजन करेंगे, काफी लोग कन्या बैठाते हैं ना, तो आज भी करेंगे, कुछ लोग कल करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगी माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। हम आज कर रहे हैं गाइज, मैं बस अभी नहा के आई हूँ और मम्मी नहाने गई, खीर रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा काम हो गया, थोड़ा भी रहता है। और मुझे जाना है ड्यूटी, तो वही है, थोड़ा और भी जल्दी करना था पर फिर भी लेट हो गई, मैं ही लेट उठी असल में। चलो मैं आपको दर्शन कराती हूँ पहले। जय माता दी, माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना हम पर ही हुई, और हमारा व्रत स्वीकार करना, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करना। और भाई अभी हम मंदिर सजाएंगे, सजाएंगे मतलब वही फूल वगैरह से थोड़ा जो करते हैं वो करेंगे। तो आप सब लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग आज कढ़ाई कर रहे हो कि कल करोगे? दो दिन है ना, असल में ये समझ में ना आता कुछ, सारे त्योहार सब कुछ आजकल पता ना, तो दो दिन होने लगे तो कब करें कब ना करें, यूं हो रहा है। हम आज कर रहे हैं भाई, और हम फिर अभी भोजन बन रहा है, माता रानी को भोग लगाएंगे। अरे नवरात्रा का खाना खाना कितना मतलब ये बड़ी अलग लग रहा है ना, नवरात्रा का जो भी हम खाना बनावे हैं, कन्या ने जिमावे और फिर वो खावे हैं, अलग ही टेस्ट आया करे ना। तो यही खाना हम और दिन भी बनावे है ना, यही खाना हम और दिन भी बनाते हैं, लेकिन वही है पता नहीं उन दिनों में और अब में क्या डिफरेंस रहता है, ऐसा कुछ तो है भाई। है भाई कहते हैं ना प्रसाद का रूप हो जाता है ये, तो भाई वो तो बना है, स्वाद अलग है इसके, तो अलग है स्वाद आया करे। तो चलो भाई मैं कर लेती हूँ थोड़ी तैयारी, बीच बीच में व्लॉग्स में दिखाती रहूंगी। असल में ना प्लानिंग तो यूं थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी सुबह उठते ही शुरू कर दूंगी, पर थोड़ी लेट हो रही थी तो फिर लेट लेट में ही हुई था कि पहले थोड़ा रात हो के एक बार आ जाऊं, ताकि फिर मम्मी की जगह मैं यहाँ थोड़ा संभाल लूं किचन में, तब तक मम्मी नहा के या अपने और भी जो काम है वो कर लेंगे ना। तो अभी मैं हूँ यहाँ किचन में, आलू छील दिए, मेरा इतना योगदान होया गया भाई, कदे नू सोचा मैं काम करन लग रही हूँ। मैंने आलू छील दिए, खीर वो इलानी है, ठीक है। यो है बाकी, एक मिनट मैं यो संभाल लूं, बेरा बाटे खीर लग गई और हो गया काम। हाँ जी, तो ठीक है जी, बीच बीच में आपसे भी मिलते रहेंगे, व्लॉग देखते रहो कंटिन्यू, स्किप मत करना। अरे बाड़ा भाई मजे ही है, तेई भी सही तरिया सूखे भी ना है, ठीक है, इस मारे ऐसे हो रहे हैं, ये सही कर लूंगी बाद में टाइम ना मिला। चलो फिर मिलते थोड़ी देर में, बाय। चीनी डल रही है भाई, मेरी खीर हो जाएगी थोड़ी देर में रेडी, चने की सब्जी हो गई है तैयार, होली है ना, बाउली तैयार। ये खीर में थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है, इससे हो जाएगा इसका रंग सुंदर। और ये ओरिजिनल केसर है भाई, ओरिजिनल केसर, ज्यादातर जगह ना नकली से मिले हैं, हम ये कश्मीर से लाए थे। और ये हलवा बन रहा है, ये हमारी गृहिणी हलवा बना रही, और ये शायद रेडी है ऑलमोस्ट, हलवा इज ऑलमोस्ट रेडी, पानी डलेगा, ये चरड़ चरड़ बोलेगा, ओ दुबा हो गया,
भाई पहले वो भूनना होया अगरा मटेरियल जा कालवा बना मैं, फिर पानी उबला हुआ डाला करे इसमें, फिर नाला है जाओ, फिर थोड़े टाइम बाद इसमें चीनी डाल लेंगे, फिर नाला है जाओ, और जब कढ़ाई छोड़ दे तो समझ जाओ तैयार हो गया है ना। गरम पानी घी ऊपर आ रहा है। भाई खाना ऑलमोस्ट बन गया है, अब पहले मंदिर सजाया जा रहा है भाई मुकेश डबास। दर्शन कर लो आप सब भी। अरे भाई मैं कन्या तो बोलन गई थी थोड़ी देर में आने ताई, और थी ये ना कोई घरा जा रही है कहीं पे, मतलब किसी और ने कन्या जो मानती जैसे बुला रखी होंगी तो मुश्किल हो जा कन्या ढूंढनी। ये फूल मैं बहुत कोशिश करी थोड़े मोटे मोटे मिल जा, पर इतने ये वाले फूल मिल पाए कल, कोई नहीं जो भी मिले हम उसी से दरबार सजा देंगे, है ना माता रानी। लो जी जोत ले लो सारे। पूरी बननी स्टार्ट हो गई है, अब माता रानी को लगाएंगे भोग और फिर कन्या जमाएंगे। भाई इसमें हमने चने और एक फूल के ऊपर हलवा ऐसे रख के डिब्बे के साथ इस बार हम ऐसे दे रहे हैं, हर बार थोड़ा अलग अलग तरीके से कर देते हैं, पिछली बार तो प्लेट्स में था इस बार ऐसे। हाय रीता जी, फौजी जी, हाय, जय माता दी। ये दो लड़के हैं, ये दो चार लड़की, वो दो भाई लड़की पूरी ना होनी जरूरी है क्योंकि कन्या कितनी होगी, कन्या तीन लगा दिया था, कन्या नौ है, कितनी है कन्या, एक दो तीन चार पाँच छह सात, छोटी कन्या है, ये तीन साल तक की कन्या गेट पर थी, ले गई लेकर कन्या वैसे एक एक जना आ जाओ, एक दो तीन चार चार है, चार लड़के हैं, चारों के में से एक लड़का एक तीन इधर आओ यहां आ जाओ, फिर वो जाना अलीसा इधर आ जाने का आएगा तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, साइड में आ जाओ, एक ये रहा भाई, ये अब चलो अपने प्लेट पे ही गए थे, ये जो छोटी है ज्यादा ये। अब हम सभी कन्याओं को सभी बच्चों को प्रसाद दे रहे हैं, पहला यो दे देती इसके ऊपर धर लेते कटोरी, रुक जा वो तो धर ली, तीन कम है ये तो, एक कम है और फिर ये इसके साथ कौन है और ये आयशा, अच्छा तो फिर दो इसे मैं ये खीर पूरी वो ना हलवा पूरी इसमें हलवा पूरी चने इस टिफिन में एक और है वो आएगी तो भेज दूंगा।
नहीं नहीं उसकी मम्मी पता नहीं ये कही आ गई अभी तो चली गई है। रुक जा रुक जा अपनी गुड़िया रुक जा यही पर रख अपने एक प्लेट यही रख दे इस बच्चे वो नारियल एक तो दे दें यूं का यूं पूरा का पूरा। गाइस एक बात मैं आप लोगों को अभी पहले क्लियर कर देती हूँ इससे पहले कि आप कुछ सवाल करो या सोचो, वो ये है कि आप ये सोचो कि हाँ जल्दी जल्दी में ऐसे खड़े होकर ऐसे ही हम कन्या को प्रसाद दे रहे हैं और ऐसे भेजेंगे। एक्चुअली मुझे ड्यूटी के लिए निकलना था, मैं कन्या को आने के लिए बोल के आई थी, लेकिन वही है ना जैसे हम इधर तैयारी कर रहे थे तो फिर इतने में कन्या को कोई और अपने घर बुला ले गए, फिर कोई और ले गए थे, तो दो तीन बार ये ऐसे हो गया था। तो देखो ये दिन ऐसा होता है कि कन्या मिलने मुश्किल हो जाती है, और अगर छुट्टी का दिन है तो हम वेट भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसी वीडियो में आपको पीछे एक भैया खड़े दिख रहे होंगे, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, इनके घर पे हैं 3-4 बच्चियाँ, तो फिर मैं इनको भी बोल के आई थी। तो फिर मैंने इन भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ मुझे ड्यूटी जाना है, तो आप हो सके तो जिस भी घर में अभी जो भी कंजक बैठाने के लिए लेकर गए हैं अगर पॉसिबल हो तो वहाँ से हमारे घर पर ले आइए। और इसीलिए फिर हमने प्रसाद वगैरह सब रेडी करके रखा हुआ था, पूरी सब्जी जो खीर हलवा जो भी चीज़ें बनाते हैं प्रसाद में वो सारी चीज़ें हमने बिल्कुल पैक करके रेडी करके रखी हुई थी कि जैसे ही कंजक आएंगी हम उनको दे देंगे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि देखो बच्चे ही तो है ना, और फिर हर घर में कितने घरों में बच्चे जाते हैं कंजक बैठाते हैं सब, तो बच्चे इतना खा नहीं पाते, तो हर घर में अगर वहीं पर खिलाते भी हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं वो झूठा, तो इसलिए अच्छा है कि बच्चों को पैक करके अगर हम दे देते तो वो घर पे या थोड़ी बहुत देर में भी खा सकते हैं उसको, या घर वाले लोग भी खा सकते हैं। तो ये दोनों रीज़न थे, तो हमने भैया को बोला और उन्होंने हमारी हेल्प करी और वो बच्चों को ले आए थे, जिससे कि हमारा कन्या पूजन कम्प्लीट हो पाया टाइमली और मैं ड्यूटी भी जा सकी। सो थैंक्स टू हिम एंड थैंक यू माता रानी, अपनी कृपा आपने हम पर आज तक भी बनाए रखी है और आगे भी बनाए रखिएगा। तो मैंने बता दिया है आपको अब कि क्यों जल्दबाजी में थे, हाँ क्योंकि मेरी ड्यूटी का ही थोड़ा मेन था। और अब हमने सभी बच्चों को प्रसाद दे दिया है और अब हम करेंगे फ़ोटो सेशन। ये हमारा फिक्स होता है भाई, ये बच्चे हमारे घर आते रहते हैं, हम इनको बुलाते रहते थे समर कैंप जैसे भी लगाया था, जैसे मैंने घर में वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी, तो हम फोटोज़ वीडियोस ज़रूर बनाते हैं। ये देखो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, छोटे बोलो जय माता दी, बड़े बोलो जय माता दी, जय माता दी, आवाज नहीं आई पूरी नहीं खाई। तो गाइस ये फोटोज देखिए हमारी कुछ इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ, और हमें बहुत खुशी होती है बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख के, बच्चों के लिए कुछ करके, और आज का दिन तो स्पेशली इनका होता है कन्या पूजन, है ना। मैं तो यही दुआ करूँगी कि माता रानी हर दिन ऐसा हो कि पूरी दुनिया लड़कियों की, जैसे ये एक दिन पूजा करती है दो दिन पूजा करती है, डेली पूजा करे। डेली का मतलब चलो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ डेली कन्या पूजन घर पे बुला के वो वाली चीज़, एक रिस्पेक्ट के उससे मैं कह रही हूँ कि इतना रिस्पेक्ट करना, लड़कियों की देखभाल करना, दूसरों की बेटी दूसरों की बहन को भी अपनी बहन बेटी मान के उनकी सुरक्षा के लिए भी आवाज़ उठाना जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत पड़े। और जब तक ऐसा नहीं होता है मैं तो नहीं मानती कि भई हाँ ये देखो जो लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते
है ना, और फिर वैसे कन्या पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि रख रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई उस चीज़ का फिर शायद माता रानी कोई फल नहीं देती होंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन कैसा है। इसलिए सिर्फ नवरात्रों में नहीं, बाकी दिनों में भी मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों की इज्जत करें, और बस बाकी आप समझ ही गए होंगे आगे। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, और जैसे आज तक माँ ने खूब अपना हाथ साथ आशीर्वाद और कृपा हम पर बनाए रखी है, आगे भी माँ प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ रहना। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, मतलब हम मतलब ये चीज़ हर किसी के लिए है, भगवान के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, उनके आशीर्वाद के बिना। तो माँ थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड अब मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग में जुड़े रहने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी तब। और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो यानी कि व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव। एक बार सारे जयकारा लगा दो, बोलो साचे दरबार की जय, शेरावाली माँ की जय, जय माता दी। शेरावाली माता की भी जय, और हमें जन्म देने वाली माँ की भी जय, धरती माँ की भी जय, गौ माता की भी जय। जय हो एंड थैंक्स टू ऑल माँ हेयर।